नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल पीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देसी इलेक्ट्रिक थ्रेशर बनाना सिखाऊंगा जो कि आपके 12 वोल्ट पे काम करेगा। तो दोस्तों, इसको बनाने से पहले इसे ज़बरदस्त काम करने का तरीका देख लेते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद इसको मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगा। तो पहले इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पीछे हमने यहाँ पे फैन लगाया है, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट से काम करता है, आपको पता ही होगा। और ऊपर जो दोस्तों मोटर लगा है वो भी 12 वोल्ट का है, ठीक है। और बीच में देख सकते हैं इसके दोस्तों बिलेट लगा हुआ है जो कि खुद का बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसे हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसका ज़बरदस्त काम करने का तरीका। तो दोस्तों, इसमें मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया है, ठीक है, ये चालू हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें दो सुराख बनाए गए हैं, देखिए इसमें डालिए गेहूँ, ये फटाफट काम करता है। ये दोनों तरफ बनाए गए दोस्तों, एक ही बार में दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। इसमें काफ़ी स्पीड दोस्तों ये काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें वीडियो को फास्ट नहीं किया गया दोस्तों, ये इतना तेज़ ही काम कर ही रहा। ये देखिए, एक ही साथ दो डालते हैं दोस्तों, डालते ही तुरंत ये अलग कर दे रहा दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से इसको थ्रेसिंग किया है और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा, इसलिए गेहूँ इधर उधर सब बिखर गया है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है दोस्तों। चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डिब्बा होना चाहिए। देखिए, अमूल वाले दूध का है जो डिब्बा है, ठीक है, इस पर आपको कोई सा एक डिब्बा ले लेना है, ठीक है, कैन ले लेना है, ठीक। और इसके बाद दोस्तों आपके पास एक मोटर होना चाहिए, देखिए 12 वोल्ट का मोटर है दोस्तों, ये इसके ऊपर जो ये लगा है दोस्तों क्लिप, ठीक है, ये आपको जहाँ पे 12 वोल्ट ये डीसी फैन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद से भी अपना आइडिया लगा कर इसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जहाँ पर डीसी फैन मिलता है वहाँ से आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से इसको ले लेना। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बोल्ट लगा हुआ है, तो ये जो हमारा मोटर है दोस्तों, इसका जो है रोटर, ठीक है, ये इसमें ये बोल्ट वाला सिस्टम नहीं था, इसको मैंने अलग से लगाया है, आप भी इसे लगा सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। ये दोस्तों जो साइकिल या मोटरसाइकिल में जहाँ से हवा डाला जाता है, ठीक है, वही उसकी दोस्तों ये है जहाँ से हवा डाला जा सकता है, आप जो भी इसे बोलते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पर फिर क्विक की मदद से फिक्स कर लिया गया है, अब इसमें हम नट बोल्ट आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको बना लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक छुरी या ब्लेड बना लेना है दोस्तों, जो कि आप उसी के लोहे के कैन से ही बना सकते हैं, लोहे के डिब्बे से ही काट कर बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिब्बे से काट कर बना सकते हैं। और इसके अंदर इसके साइज के हिसाब से उसको रखना है, ठीक है। आपको एक फैन लेना है दोस्तों, जिससे आपका हवा की मदद से भूसा बाहर निकलेगा, ठीक है। और यही दोस्तों तीन चार चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। देखिए, हमने पहले से काट रखा है दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में एक होल किया गया और साइड साइड में दो होल किए गए हैं, ठीक है। बीच वाले होल में दोस्तों ये हमारा मोटर बैठेगा, ठीक है। और दोस्तों दो होल जो साइड साइड में है वहाँ से गेहूँ डाला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इस डिब्बे में इस साइड में देखिए एक दूसरे का आमने सामने इस प्रकार काट लेना है, ठीक है। एक प्रकार आपको इतना लंबा काटना है जिसमें आपका फैन बैठ जाए, और दूसरे साइड में उसके जस्ट आमने सामने पर दोस्तों थोड़ा सा काटना है जिससे इसका जो भूसा बाहर निकले, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर अपना फैन लगाने जितना आपको काट लेना है, ठीक है। इस पर दोस्तों इसका पूरा फ्रेम बनकर रेडी हो जाएगा, यहाँ से आप इसका फैन लगा सकते हैं। चलिए मैं फटाफट लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको ये कंप्लीट आपके सामने बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसको दोस्तों मैं यहाँ टेप की मदद से फिक्स कर ले रहा हूँ, जिससे इसका हवा जो है बाहर ना निकलने पाए, सीधे इससे इसके अंदर से होकर बाहर निकले। चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों इसके मोटर को भी यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसका क्लिप दोस्तों जिस साइड में आपको रखना है वहाँ पर भी दो होल कर लेने हैं इसे फिक्स करने के लिए। चलिए, मोटर को मैं कुछ इस प्रकार रखता हूँ, देखिए इसको मैंने पहले से होल कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, इसे दोनों साइड में आपको लगा लेना है, इसे फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम दो नट बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं दोस्तों आपको पता चल जाएगा अभी। देखिए, एक बोल्ट आपको अंदर लगाना है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद उसके ब्लेड लगाने के बाद दूसरा बोल्ट लगाना है, ठीक है। ब्लेड को जितना ऊपर नीचे रखना है इन दोनों बोल्ट के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नीचे करना है तो उसे और नीचे टाइट कर लेना है, ऊपर रखना है तो उसे कम ही नीचे जाने देना है, ऊपर ही रखना है। उसके बाद ब्लेड को टाइट कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए दो बोल्ट इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ।
तो कुछ इस प्रकार दोस्तों देखिए हमने ब्लेड को फिक्स कर लिया है अपने हिसाब से। इसके बाद इसमें वोल्टेज देकर देखता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।